हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस पेपर ले चुके हैं। अभी हमारा ये 5th नंबर का प्रैक्टिस पेपर है जो कि हम करने वाले हैं। यदि आपने सभी प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे हैं तो उन सभी प्रैक्टिस पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका, 2 संख्याओं के महत्व समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। तो यहां पर क्या बोला गया आपको कि दो संख्याएं हैं, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 12 है और 72 है। तो मान लो, सपोज दैट कि एक संख्या आपकी एक्स है और एक संख्या आपकी क्या है, y है। अब आपने देखा होगा कि महत्तम समापवर्तक गुणित होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक, जो कि बराबर होगा उन संख्याओं के, ठीक है। तो वह संख्या आपकी x और y ले ली हमने। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक आपका 12 है और लघुत्तम समापवर्तक आपका 72 है, जो कि बराबर हो गया आपका x इंटू y के। अब यहाँ से आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, संख्या की, उनमें से कोई भी एक संख्या निकालना है। तो आप सभी इस फॉर्मूले को जानते होंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका x प्लस वाई के होल स्क्वायर के माइनस होता है आपका 4xy। मैं यहाँ पर ये वर्क इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपको इक्वेशन मिल जाए यहाँ से। तो हमने इस फॉर्मूले को लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसी को x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आपका 4xy। आपको यहाँ पर एक और बात देख सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ मैंने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर इन संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 60। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिल गई हैं, तो आप इसके थ्रू इस फॉर्मूले पे जा सकते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, मतलब 12 इंटू आपका 72 हुआ। अब आप यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करें और x माइनस वाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो गई 12। अब यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गई, एक आपका क्वेश्चन में गिवन थी और सेकेंड आपने फाइंड कर दी। अब दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, हल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई आपका 60 हुआ, तो x माइनस वाई आपका 12 है। आप इसे सॉल्व करें, 2x इज इक्वल्स टू हुआ आपका 72, तो x इज इक्वल्स टू हुआ आपका 3 और 6, 36। आप 36 को आप x की वैल्यू रखें तो y इज इक्वल्स टू आएगा आपका 24। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखें कि क्या क्या आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो है 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, 2LH+B, मतलब 2HL+B, जो ऊंचाई होती है वो गुणन में आती है और चौड़ाई और लंबाई आपकी एड में आती है, योगफल में आती है, बराबर है आपका 660 के। लेकिन यहाँ पर एक बात और, इस सेंटेंस को देखें, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, मतलब L जो है 2B के इक्वल है। एक बात आपको यहाँ से भी मिल रही है, तो क्या इस h की वैल्यू आपको 11 दी है, l की जगह पे मैं 2b लिख दूंगी, प्लस आपका ये b हुआ 660 के बराबर हुआ। आप इसे 2b और ये 3b हुआ, 2 × 11 22 हुआ, तो 660 बटे आपने लिख दिया 22। 22 से 3 बार आप इसे कैंसिल करेंगे, b बराबर हुआ आपका 30 बटे 3, मतलब 10 मीटर। ये आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है कि मैथमेटिकल में आप इतनी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएं यदि आपको नहीं आती। अब आप L बराबर 2 × 10 करेंगे तो L की जो वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। यहाँ से आपको ये बात भी क्लियर होगी कि लंबाई चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा होती है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे इसमें बोला गया है कि इसकी छत का क्षेत्रफल निकालिए। तो छत का क्षेत्रफल, छत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो
तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 20 इंटू आपका 10, मतलब आपका हुआ यहाँ पर कितना, 200 मीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखें, क्षेत्रफल में स्क्वायर आती है, घन में क्यूब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अपॉन 3 इक्वल है आपका बी अपॉन 4 के, जो कि इक्वल है आपके सी अपॉन 7 के। अगर है तो आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान निकालना है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको एक कांस्टेंट जो है इसके इक्वल में ले लेना है। तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, हमने ले लिया है k, क्योंकि k जो है एक ऐसा कांस्टेंट होता है कि वो यदि कैंसिल भी नहीं होता है तो लास्ट में आप इक्वल 1 करके उसे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a की वैल्यू आपकी 3 के, b की वैल्यू हुई आपकी 4 के, देन आपकी c की वैल्यू हुई 7 के। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी करना है, तो आपका क्या होगा, 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन आपका ओवरऑल होगा 7 के। देखिए 4 3 7 7 14 के अपॉन आपका 7 के, मतलब के से के कैंसिल, तो आपका जो मान हुआ वो आया 2। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को हम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें कुछ चीज़ें पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 604-611 से विभाज हो तो रिक्त स्थान पर होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोला गया है उसको नोटिस कीजिए। 11 से विभाज, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो विषम स्थान पर अंक हैं उनमें से आप सम स्थान के अंकों को माइनस करें, और यदि ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाज्य हो, या तो 0 भी आए या फिर 11 भी आए या 11 से विभाज्य हो, तो वह संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर एक नंबर एब्सेंट है, इस नंबर को मैं सपोज करूँगी, मानूंगी कि यह नंबर है आपका x। अब बोला गया है विषम 1 3 और ये आपका हुआ 5, तो 6 4 और 6 आप जोड़ेंगे, माइनस करना है सम पर, तो 0 प्लस एक्स हुआ एक्स का, 6 4 10 16 माइनस एक्स। अब 16 में से क्या हम घटाएं कि वो 11 से विभाजित हो जाए, तो 16 में से यदि आप यहाँ पर 5 माइनस कर दें ऑप्शन में से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। 1 पे 15 3 पे 13 7 पे आपका 9 लेकिन 5 पे आपका 11, तो 16 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 11, और 11 आपका 11 से विभाज्य है। इट मीन्स दैट कि जो आपका डी नंबर का आंसर होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 और इस पेपर का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है या तो वह संख्या 3 3 है या 3 ही 3 है या फिर वह संख्या 4 ही 4 है। एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है, सेकेंड बात आपको क्लियर ये करना है कि वह संख्या या तो भाई 3 से विभाज्य है या 4 से या फिर दोनों से। तो क्वेश्चन को देखिए, समझिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। तो देखिए एक बात तो जो है कि 3 3 है 4 4 है, ये आपकी यहाँ से तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन 3 और 4 दोनों से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य तो है ही है लेकिन 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं को आप जोड़े और जो नंबर आए वह संख्या से विभाजित हो, लेकिन 4 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित होना चाहिए। दोनों आप नियम जिस संख्या में लागू करेंगे, जो संख्या इन दोनों नियम को सेटिस्फाई करेगी वह आपका फाइनल आंसर होगा। हम पहले वाले ऑप्शन पर जाते हैं, 3 3 3 आपका कितना होता है, 3 और 3 6 6 और 3 9। देखिए आपका यहाँ पर 9 आ रहा है, 9 तो 3 से विभाज्य, लेकिन लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित नहीं है,
मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका 4, 4, 8, 4, 12। यहाँ पर कंफर्म है कि ये 3 से तो डिवाइड है। अब 4 का चेक करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर तो दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। इट मीन्स दैट कि हम बी को आप ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन अदर ऑप्शन भी चेक करना आपको नीड है। देखिए 44 है, 4 और 4 8 होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4, 4, 8 और 8 आपका 16, इट मीन्स दैट कि यह भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वह होगा 4, 4, 4, 4, 444। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर है, परिसर है, माध्य, आवृत्ति है, वर्गमाप है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए माध्य तो सभी संख्याओं को जोड़ के निकाला जाता है, आवृत्ति क्या होता है कि जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है, वर्गमाप क्या होता है कि आपको एक सटीक पैमाना दिया जाता है, लेकिन परिसर, परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। रेंज मतलब इंटरवल में जो भी डिफरेंस होगा, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में जो भी डिफरेंस होगा वह आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोण होंगे। अब कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये, जिन कोणों का योग 90 अंश होता है वह आपके होते हैं कोटि पूरक कोण। ये बात आपको पता हो गई, लेकिन अंतर दिया है भाई यहाँ पर 40। दो आपके सामने मैंने इक्वेशन दे दी हैं, क्या अब आपके लिए सॉल्व करना इजी हुआ? y से y कैंसिल, 2x is equals to a 130, then x is equals to a 65। तो भाई आप यदि x की वैल्यू 65 फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? x की जगह पर हमने 65 लिख दिया, किसी भी इक्वेशन में जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप रख सकते हैं। y हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, 5 आपका है तो 6 में से 4 जाएगा तो 25, मतलब 25 और 65 जो आपका यहाँ पर आंसर होगा वह फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 रेस टू दी पावर 2x-1 इक्वल्स टू 2 रेस टू दी पावर 5 माइनस 5 हो तो x है। यहाँ पर यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, उससे पहले क्या हम 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। देखिए 9 रेस टू दी पावर 2x-1 लिखा मैंने यहाँ पर, और 2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 32-5 मतलब 27, और 27 को आप 3 रेस टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर आधार आपका 3 हो गया है तो इस आधार को भी आप 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब भी आधार समान हो तब घातें बराबर होती है, मैं आपको ये एक नियम बोल रही हूँ, जब भी आधार समान हो तब घातें आपकी बराबर होती हैं। 4x-2 = 3, तो 4x = 5, x बराबर क्या होगा 5/4, आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 और इस पेपर का 9th क्वेश्चन, 3 रेस टू दी पावर 99 - 3 रेस टू दी पावर 50 में इकाई का अंक है। जब भी यूनिट डिजिट की बात हो पावर के फॉर्म में, तो जो भी पावर लगी हो उसे आप 4 से डिवाइड करें। 4 × 8, 4 × 4 = 16, और अगर 3 जोड़ देंगे तो आपका 99 आ जाएगा। 50 में करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 × 8, 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। जो आपका शेष फल बचता है वही इसकी पावर लगा दे। आई बात समझ में? जो आपका शेष फल बचता है वही इसकी पावर लगा दे। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो पावर बच रही है वही आप इसके, जो शेष फल बच रहा है, जो रिमाइंडर आपका है वही इसकी पावर होगी। अब 3 रेस टू दी पावर 3 27, 3 रेस टू दी पावर होगी 9,
27 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा, 17 में से 9, 1 और 8। अब बोला गया है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपका हुआ 8, मतलब फाइनल आंसर हुआ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 138 डिग्री के संपूरक का कोटि पूरक है। संपूरक क्या होते हैं? संपूरक मतलब जिन दो कोणों की माप 180 डिग्री हो वह कोण संपूरक होते हैं। अब यदि हमें 138 एक कोण दिया है तो दूसरा कोण क्या होगा, हम 180 में से 138 को माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 42, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। आज हमने जो पेपर किया उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आप इनकी यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को देख के कर पाएंगे। नेक्स्ट पेपर के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।